नमस्कार, मैं उभय और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ढोलक तबला लेसन्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि दीपचंदी ताल कैसे बजाते हैं ढोलक में। तो पहले इसको अपन बेसिक समझते हैं। बेसिक इसका यह है कि 14 मात्रा इसके अंदर होती है, चार खंड होते हैं जिसमें पहला खंड होता है 3 मात्रा का, दूसरा 4 मात्रा का, तीसरा 3 मात्रा का, चौथा भी 4 मात्रा का होता है। तो पहले मैं इसको आपको बजा के दिखाता हूँ कैसे बजाएंगे। इसको बिल्कुल खाली बजाया मैंने, ठेके में बिल्कुल भराव नहीं दिया। ठीक है, तो पहले इसके बोल समझते हैं। धा दिन धा धा तिन ता तिन धा धा दिन धा दिन धा धा तिन ता तिन धा धा दिन धा दिन धा धा तिन ता तिन धा धा दिन। अब स्लो में समझते हैं वर्ड इसके कैसे बजाना है। तो धा कैसे बजाना है, धा इधर साइड से ता बजाना है और इधर साइड से गे बजाना है। ठीक है, दोनों को मिला के धा धा बजेगा। अब दिन कैसे बजाना है, जैसे अपन ऊपर ता बजा रहे हैं ऐसे थोड़ी सी इसको फिंगर को नीचे लेके आना और यहाँ पर आपको बजाना है। अंदर टच नहीं, टच करके नहीं रखना है इसको, ऐसे ती हो जाएगा ये, आस निकलना चाहिए थोड़ी सी ऐसी। ठीक है, इसके साथ अपन गे बजाएंगे तो धीन हो जाएगा, धीन। धा के साथ ऊपर आपको ता बजाना है और गे बजाना है, और धीन में नीचे आपको ता बजाना है और गे बजाना है। धा धीन धा धा तीन। अब तीन कैसे बजाएंगे, तीन में आपको ऐसे ही नीचे से यहाँ पे ता बजाना है और इधर आपको क बजाना है साथ में इसके। तीन धा दिन धा धा तीन ता तीन धा धा दिन धा दिन धा धा तीन ता तीन धा धा दिन धा दिन धा धा तीन ता तीन धा धा दिन धा। ठीक है, अभी होगी अपनी दीपचंदी अपन ने बजा दिया। इसके बोल में नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, आप वहां से जाके भी देख सकते हैं। अब इस ठेके को अपन भरा हुआ कैसे बजाते हैं ये सीखते हैं। तो भरा हुआ बजाने का मीन्स क्या होता है कि उसके बीच के जो गैप है अपना, वो गैप भरनी होती है। जैसे धा दिन धा धा दिन, अभी धा दिन के बाद में जो गैप आई, इस गैप को अपन को भरना है। अपन किसी भी सॉन्ग के अंदर अपन बजाते हैं तो उसमें भरा हुआ बजाना ज़्यादा अच्छा लगता है, फिर अलावा अपन खाली खाली बजाते हैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो उसको भरा हुआ कैसे बजाएंगे, पहले मैं बजा के दिखाता हूँ। इसके भी बोल में बताता हूँ आपको। धा दिन तिट धा धा तिन तिट ता तिन तिट धा धा दिन तिट धा दिन तिट धा धा तिन तिट ता तिन तिट धा धा दिन तिट धा। साफ साफ दिख रहा है जो गैप अपने खाली छोड़ी है, मीन्स जो गैप उसमें खाली है उसमें अपन ने तिट लगा दिया बीच में। धा दिन तिट धा धा तिन तिट ता तिन तिट धा धा दिन तिट धा धा दिन तिट धा धा तिन तिट ता तिन तिट धा धा। अच्छा, तीट में इसमें उल्टा यूज कर रहा हूँ, आप चाहो तो सीधा भी यूज कर सकते हो, सीधे में भी हो जाएगा। धा दिन तिट धा धा तिन ता तिन तिट धा धा दिन, उल्टा भी बजाओगे तो। ठीक है, और एक और तरीका है इसको भरा हुआ बजाने का, एक और तरीके से हम बजाया था कि आखिरी में थोड़ा सा अपन अलग सा एक मुखड़ा लेके आ सकते हैं। धा दिन तिट धा धा तिन तिट ता तिन तिट ता ता तिट ता ता तिट धा दिन तिट धा धा तिन ता तिन तिट ता ता तिट ता ता तिट धा। ठीक है, इसको कैसे बजाएंगे, धा दिन तिट धा धा तिन तिट ता तिन तिट, थर्ड पार्ट तक आना है अपने को। धा दिन तिट धा धा तिन तिट ता तिन तिट, फिर यहां से जो फर्स्ट वाला धा बजा रहे हैं उसको आप घिस के बजाओ तो और अच्छा लगेगा ऐसा। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर देना, बेल आइकन जरूर दबाना और वीडियो को लाइक करके बताना कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया और आपके लिए मुझे हमेशा ऐसी वीडियो बनाते रहना चाहिए। कमेंट करके बताएं अगर आपका कोई अदर क्वेश्चन हो तो मैं 100% उसका रिप्लाई भी करूंगा और उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।